छोटी जलपरी। बहुत साल पहले समंदर के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस, जहाँ एक राजा ओरिन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी। वो जलपरी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि वो बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। जलपरी को सतह पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया को देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 साल की ना हो जाए। हर साल वो छोटी जलपरी अपने पिता से ऊपर सतह पर जाने की इजाजत मांगती रहती थी और निराश होती थी। धीरज रखो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस छोटी जलपरी का 20वां जन्मदिन था। उस दिन के अंत में उसके पिताजी ने उसकी ओर मुड़कर कहा, समय आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, समंदर की सतह पर चले जाओ और वापस आओ, हमें बताओ कि तुमने क्या देखा, लेकिन संभल कर रहना और इंसानों से दूर रहना। उस छोटी जलपरी ने अपने पिता को चुमा, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर सतह की ओर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का समय था। सतह पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज को देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लांटन जल रहे थे। फिर वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने एक मनमोहक संगीत सुना। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज की एक खिड़की से उसने देखा तो अंदर किसी का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था और सब लोग संगीत सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जश्न किसी नौजवान राजकुमार के लिए था। वो बहुत ही सुंदर था। जलपरी ने पहली बार इतना सुंदर युवक देखा। राजकुमार का मोहक रूप देखकर वो जलपरी तुरंत उसके प्यार में पड़ गई। थोड़ी देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। वो नीचे की ओर जाने लगी। इतने में उसने एक आवाज सुनी, उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान, समुद्र ने रुद्र रूप धारण कर लिया था और राजकुमार का जहाज हिलने डोलने लग गया था और सब लोग डर के मारे चिल्लाने लग गए थे। नाविक उस जहाज को महाकाय लहरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दिख चट्टान से फंस गया और दो टुकड़े में कट गया। सब लोग समुन्दर में गिर गए और वो राजकुमार भी। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर नहीं बच सकते। नहीं, मैं अपने प्यार को डूबने नहीं दे सकती। फिर वो राजकुमार को जमीन पर ले गई, जहाँ पूरी रात वो उसका देखभाल करती रही। समंदर किनारे आते आते राजकुमार तो बेहोश हो गया था, तो उस जलपरी ने उसे छोटे से चर्च के सामने रेत पर रख दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। फिर वो करीब के किसी चट्टान पर तैर कर चली गई, ये देखने के लिए कि उसे कोई मदद मिले। राजकुमार होश में आया तो उसने देखा कि चर्च की ओर से एक लड़की आ रही थी। जब उस लड़की ने राजकुमार को देखा तो वो तुरंत चर्च की ओर वापस गई मदद मांगने के लिए। लोग दौड़ते हुए आए, राजकुमार को उठाकर ध्यान से अंदर लेकर गए। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों तक वो अपने आप में उदास और खोई खोई रहती थी, लेकिन छोटी जलपरी राजकुमार को भूल नहीं पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफ भरी योजना बनाई और तैरकर ऊपर जाकर उस अजनबी राजकुमार के साथ रहने का इरादा बना लिया। दूसरे दिन छोटी जलपरी ने अपने शाही सलाहकार को बुलवाया, केकड़ा सेबिस्टन। वो जल्दी छोटी जलपरी से मिलने के लिए आया और उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्सला के पास ले चलो, समुंदर के जादूगर। सेबेस्टन पूरी तरह चौंक गया और उसने जलपरी से कहा, अब क्या आपको पता नहीं कि वो कौन है? वो दुष्ट जादूगरनी है, क्यों? फिर उसने सेबेस्टन को पूरी कहानी बताई, उस तूफान की और उस राजकुमार के साथ रहने की अपनी इच्छा बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टन भी बेवकूफों की तरह अर्सला के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंदर अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी। उसका घर डूबे हुए नाविकों के हड्डियों से बनी हुई थी, जिसकी सुरक्षा जहरीले सांप किया करते थे। जैसी छोटी जलपरी और सेबेस्टन उर्सला के गुफा की ओर जाने लगे, समंदर की जादूगरनी अपनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी। उसने उन्हें देखा और मुस्कुरा रही थी। अर्सला,
मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओ मेरी प्यारी छोटी राजकुमारी, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम ऐसे राजकुमार से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं हो। तुम अपनी पूंछ से छुटकारा पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास उपाय है जो बिल्कुल अचूक है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, मैं वही तो कर रही हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी पूंछ गायब कर सकती हूँ, बहुत दर्द होगा, लेकिन बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। अर्सला ने अपने हाथों से रसोई घर से गहरे रंग की दवा झट से निकाली। इस दवा से तुम दो पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। अर्सला डरते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा पाने के लिए एक शर्त है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक ऐसी राजकुमारी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारी सुंदर आवाज चाहिए मुझे, उसके बाद तुम इंसान बन जाओगी, राजकुमार तुमसे प्यार करने लगेगा और वो तुम्हें चूमेगा, मेरा यकीन मानो, वो तुमसे इतना प्यार करेगा और उसके चूमते ही तुम जिंदगी भर के लिए इंसान बन जाओगी और खुश रहोगी। लेकिन अगर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जादूगर ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज वापस ले ली। दूसरे दिन राजकुमार के लोगों को एक सुंदर लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और उसने जब चलना शुरू किया तो उसे लग रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, जैसे वो छुरियों के धार पे चल रही हो। दासियों ने उसे सुंदर कपड़े पहनाए और फिर राजकुमार उसे मिलने आया। मैंने देखी हुई लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो चुप रही, वो छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात नहीं की लेकिन वो तुरंत राजकुमार की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को अपने साथ हर जगह लेकर जा रहा था। कुछ समय बाद राजकुमार ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की जिसने उसकी जान बचाई, उसके बाद कैसे सपनों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा। उसने कहा कि अगर वो लड़की उसे कभी मिल गई तो वो उससे शादी करेगा। छोटी जलपरी बहुत उदास हो गई क्योंकि वो राजकुमार को बता नहीं पा रही थी कि वही वो लड़की है, पर उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी पूंछ, अपनी आवाज, अपना परिवार, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन दूसरे राज्य का एक राजा राजकुमार से मिलने आया। राजा के साथ उसकी सुंदर बेटी भी आई हुई थी और जैसे ही राजकुमार ने राजा की बेटी को देखा उसने उसको पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसको उसने किनारे पे देखा था। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी को लगने लगा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उस दिन राजकुमार दूसरी राजकुमारी के साथ शादी करने वाला था और जब सूरज डूबेगा वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उससे ऐसे ही वचन लिया था। शादी जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी भी वहां हाजिर हुई ताकि आखिरी बार वो राजकुमार को देख सके जिससे वो प्यार करती थी। उस दिन सुबह छोटी जलपरी के माता पिता अर्सला से मिले और उसे धमकाया। दुष्ट जादूगरनी ने उन्हें एक छुरी दी और बताया कि अगर उनकी बेटी ने इस छुरी को उस राजकुमार के दिल में घोंप दिया तो उसका जादू टूट जाएगा। इधर शादी हो रही थी इसलिए जलपरी धीरे से जहाज के एक हिस्से में गई और उसने देखा कि उसके माता पिता पानी के ऊपर आए। वो उदास थे। ये तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। राजकुमार को मार दो। जब उसका खून तुम्हारे पैरों पर गिरेगा तब तुम्हारे पैर पूंछ में बदल जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो,
सूरज उगने ही वाला है। उसके माता पिता चले गए, तब वो छुरी लेकर राजकुमार की ओर दौड़ी। उसने उसे देखा और उसकी नई दुल्हन के साथ वो खुश था। छुरी का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने उस तेज खंजर को देखा और फिर राजकुमार की ओर देखा। वो तो उससे प्यार करती थी। फिर वो जहाज के ऊपरी हिस्से में गई और उसने छुरे को समुन्दर में फेंक दिया। दूसरे दिन राजकुमार ने सेवकों को आज्ञा दी कि चप्पा चप्पा छान मारे, लेकिन छोटी जलपरी कहीं नहीं मिली। कोई नामो निशान नहीं था। राजकुमार उदास हो गया। अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाके बैठने लगा। उसे जलपरी की याद आती थी। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता और चांद की रोशनी में उन बुलबुलों के बीच उसे छोटी जलपरी का चेहरा दिखाई देता था। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!